हेलो हेलो, यस सर। चलो ठीक है। ओके ओके। हाँ, तुम लोग का अटेंडेंस तो नहीं कराए थे, मार्क कर लो तुम लोग अपना अटेंडेंस। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, मार्क कर लो अटेंडेंस। हो गया सबका? अटेंडेंस हो गया? यस सर। ओके चलो ठीक। ओके ओके चलो ठीक। बता रहे थे कि जो भी हमारा व्हीकल है, ये मान के चलो व्हीकल था, इसका ये टायर था। इसमें होता है, एक होता है तुम्हारा रोटेशनल मोमेंट, दिखाई दे रहा है सबको? दिख रहा है सबको? ओके, तो यस दो टाइप का मोमेंट होता है। ओके ओके, एक होता है तुम्हारा रोटेशनल मोमेंट और एक होता है तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोमेंट। अगर यूनिफॉर्म कंडीशन या फिर आइडियल कंडीशन में हमारा एक रोटेशन जो होता है वो एक ट्रांसलेशनल मोमेंट के बराबर होता है, और एक जो तुम्हारा रोटेशनल मोमेंट है उसको हम लोग 2 पाई आर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुद सोचो, एक क्लॉक को लो, 12, 3, 6, 9 को दो। अगर 12 से मूव करेगा तो फिर 9 वाला पार्ट टॉप पे आ जाएगा, फिर 9 वाला, फिर 6 वाला पार्ट, ऐसे ऐसे करके उसको एक कंप्लीट सर्कल को रिवॉल्यूशन करने में उसको 2 पाई आर लगता ही है। तो ये पता ही होगा सबको। नेक्स्ट, एक देखो टेबल बना के रखा है, टेबल बना के रखा है, उसमें 3 पॉइंट लिखा है। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा कि इफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज मोर, रोटेशन में उसको क्रॉस लगा दिया, ट्रांसलेशनल मोमेंट में उसको टेक आउट कर दिया, फिर इम्पैक्ट लिखा टायर बर्निंग या फिर टायर बर्न। नीचे एक पॉइंट लिखा, इफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज लेस, रोटेशन इज अलाउड, ट्रांसलेशनल मोमेंट इज नॉट अलाउड, इम्पैक्ट नो व्हीकल मोमेंट। तो इसको सोच सकते हो ऐसे। रोड जैसे हमारे टायर पे एक फ्रिक्शन लगाता है, वैसे ही अगर मान के चलो कि जैसे हमारा बता रहे थे कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन अगर ज्यादा है तो रोटेशन अलाउड नहीं है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट अलाउड है, इम्पैक्ट इसका ये होगा कि हमारा टायर बर्न हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट बोला। सेकेंड पॉइंट बोला कि अगर तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कम है, दैट मीन्स रोटेशन होगा, ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं होगा, इम्पैक्ट होगा नो व्हीकल मूवमेंट। इसको ऐसे समझो, जब हमारा व्हीकल रोड पे चल रहा था या फिर पेमेंट पे चल रहा था तो
वहां पे एक फ्रिक्शन डेवलप हुआ हमारे व्हीकल के टायर और पेवमेंट के टॉप सरफेस या फिर पेवमेंट सरफेस के बीच में। इसको जब हम फ्रिक्शन बता रहे थे तो इवन हमारे दो हाथ के बीच में भी फ्रिक्शन आ जाता है जब एक हाथ को कांस्टेंट रखो या फिर एक हाथ से रब कर दो। तो जैसे हमारे पेवमेंट और हमारे टायर के बीच में फ्रिक्शन आया, वैसे ही हमारा फ्रिक्शन, जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं वैसे ही हमारा जो ब्रेक शू रहता है, गाड़ी हो साइकिल हो, सब में ब्रेक शू रहता है। तो ब्रेक और हमारे जो टायर है उसके बीच में, तो हमको ये दिखा कि हमारा कंजुक्यूटिव फ्रिक्शन अप्लाई हो जाता है हमारे ब्रेक और हमारे टायर के बीच में भी, हमारे टायर और हमारे पेवमेंट के बीच में भी। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन अगर ज्यादा है, डेट मीन्स अगर मान के चलो कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा है, तो हमारा व्हीकल रोड पे मूव कर रहा था, हमारा रोड पे व्हीकल मूव कर रहा था, लेंथ के लॉन्ग लगा। तो जैसे ही ऐसे इसको सोचो कि जैसे ही हम अपना ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर हमारा फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कब, जब ऊपर एक लाइन लिखा कि जब ब्रेक को हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सटेंड तक अप्लाई कर देंगे। ऊपर एक लाइन देखो, यहाँ पे लिखा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इज डेवलप्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड अप टू कंप्लीट एक्सटेंड। दैट मींस अगर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्रेक शू है और हमारा जो टायर है उसके बीच में हम लोग बहुत ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो गया। तो जैसे ही बहुत ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेक शू जो है उस टायर को कस के पकड़ लेगा। अब जैसे ही तुम्हारा टायर को कस के पकड़ा ब्रेक अप्लाई होने के साथ ही, तो कंप्लीट जो है हमारे व्हीकल का, जो कंप्लीट है हमारे व्हीकल का, यहाँ पे इसको ब्रेक शू पकड़ लिया। अब जो इससे यहाँ से इसके स्कोप्स हैं, ये इसको मूवमेंट करने ही नहीं देगा, मतलब हमारे मूवमेंट है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, मतलब हमारा चक्का रोटेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेक शू पूरा का पूरा पकड़ लिया। तो जैसे ही हमारा रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, तब पर भी हमारे व्हीकल में हमारा स्पीड है, कुछ ना कुछ ये दूरी हमारा ट्रेवल कर ही लेगा। तो ध्यान रखना, अगर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा है तो कंफ्यूज हो जाओगे कि रोटेशन होगा उसमें कि ट्रांसलेशनल होगा। तो ध्यान देना, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा, दैट मींस फ्रिक्शन ज्यादा। फ्रिक्शन कब ज्यादा आता है? जब ब्रेक कंप्लीट एक्सटेंड तक अप्लाई होता है। ब्रेक जैसे ही अप्लाई होगा, दैट मींस ब्रेक शू और हमारे व्हीकल के टायर के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो हमारा जो भी ब्रेक शू है वो हमारे व्हीकल को पकड़ लेगा, टायर को पकड़ेगा। अब जैसे ही हमारा व्हीकल के टायर को हमारा ब्रेक शू पकड़ेगा, हमारे व्हीकल का रोटेशन ही बंद हो जाएगा। रोटेशन तो जीरो हो गया या फिर रोटेशन इज नॉट अलाउड हो गया, लेकिन हमारे व्हीकल का स्पीड था, कुछ ना कुछ वो ट्रांसलेशनल मूवमेंट आ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही व्हीकल में तुम्हारा कोई रोटेशन ना हो जबकि ट्रांसलेशनल हो जाए मूवमेंट, तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्किडिंग। और स्किडिंग का इम्पैक्ट ये होता है कि हमारा टायर जो है बर्न कर जाता है, या फिर हमारे टायर में वियर एंड टियर हो जाता है, हमारा टायर जो है पूरा का पूरा रगड़ा जाता है, पेमेंट के ऊपर रगड़ा जाता है। तो ये हमारा एक इम्पैक्ट भी है। आगे भले ही हम स्किड और स्लिप को बताएंगे, लेकिन ये जान के चलो कि तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा, रोटेशन इज नॉट अलाउड, ट्रांसलेशनल मूवमेंट थोड़ा बहुत हो जाता है। दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कम। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कम कहने का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा गाड़ी आगे मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब तुम्हारे गाड़ी में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। आगे तुम्हारा गाड़ी मूव करेगा जब व्हीकल में मूवमेंट, इसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आएगा। ये मूव करेगा गाड़ी तब तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आएगा। अब क्या है, इसका फ्रिक्शन ही जीरो है, डेट मीन्स पेवमेंट और तुम्हारे जो गाड़ी के टायर है उसके बीच में फ्रिक्शन बहुत कम है। डेट मीन्स जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, हमारा ब्रेक लगेगा ही नहीं, तो हमारे गाड़ी का पहिया घूमते रहेगा। लेकिन घूमते घूमते रहेगा तो उसमें रोटेशन मोमेंट होगा, रोटेशन मोमेंट होगा, लेकिन हमारा जो भी ये फ्रिक्शन का वैल्यू है वो बहुत कम है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम लोग जनरली बोल देते हैं कि भले ही हमारे गाड़ी में रोटेशन होगा लेकिन कोई ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आगे हमारा एक कंसेप्ट आता है स्लिपिंग का। इसको ऐसे समझ सकते हो कि कभी ना कभी बारिश के दिन में या फिर कहीं ना कहीं हमारे गाड़ी का चक्का पूरा का पूरा फंस जाता है। वहां पे क्या होता है कि हम कितना भी अपने गाड़ी को
ऐसा सबके साथ हुआ हो कभी, साइकिल का चक्का, गाड़ी का चक्का, कुछ ना कुछ। तो देखो क्या है कि हमारा ये था हमारा पेमेंट, अब कुछ ऐसा हो गया कि हमारे गाड़ी का चक्का पूरा यहाँ पे फंस गया। अब कितना भी हम अपने गाड़ी को एक्सीलरेटर दे रहे हैं, या फिर ऐसा भी देखा हो कहीं ट्रक जाके फंस गया, बस जाके फंस गया, उसका पूरा का पूरा चक्का वहीं पे पूरा रोटेट कर जा रहा है, हमारे फोर व्हीलर का भी चक्का वहीं पे जाके रोटेट कर पा रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहा है। तो जब ये पूरा का पूरा रोटेट कर ले रहा है, डेट मीन्स इस कंडीशन को हम बोल देंगे कि हमारा जो भी फ्रिक्शन होगा इस केस में हमारा बहुत कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, हमारा रोटेशन यहाँ पे अलाउ होगा। क्यों रोटेशन अलाउ होगा? क्योंकि हमारा जो भी टायर है, समझने के लिए सोचे कि टायर और हमारा जो भी ब्रेक शू है उसके बीच में फ्रिक्शन का वैल्यू कम है, फ्रिक्शन का वैल्यू कम है इसलिए उसको पकड़ेगा ही नहीं, पकड़ेगा नहीं मतलब हमारे गाड़ी में रोटेशन होते रहेगा लेकिन इसमें ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि इम्पैक्ट इसका ये होगा कि हमारा व्हीकल में कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। तो हमारे पास दो चीज आया, एक ट्रांसलेशनल मूवमेंट आया, एक हमारे पास रोटेशनल मूवमेंट आया। तो स्किड और स्लिप हमसे पूछता है कि स्किडिंग क्या होता है, स्लिपिंग क्या होता है। तो स्किडिंग और स्लिपिंग के लिए ध्यान रखना कि जब तुम्हारा ट्रांसलेशनल मूवमेंट बड़ा हो रोटेशनल मूवमेंट से, उस केस पे तुम्हारा स्किडिंग हो जाएगा। और ट्रांसलेशनल मूवमेंट रोटेशनल मूवमेंट से कब ज्यादा होता है ये भी बता दिया तुमको कि जब तुम्हारे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। इसका इम्पैक्ट भी बता दिए कि तुम्हारे स्किडिंग के टाइम तुम्हारे व्हीकल का टायर बर्नआउट हो जाएगा। दूसरा, स्लिपिंग कब होगा? स्लिपिंग तब होगा जब हमारा रोटेशनल मूवमेंट ट्रांसलेशनल मूवमेंट से ज्यादा होगा, दैट मीन्स जो भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा उसका वैल्यू कम होगा। तो ये बेसिकली हमारा कुछ कुछ पॉइंट है। अब इसमें भी आता है कि प्योर स्किडिंग कब होता है और प्योर स्लिपिंग कब होता है। तो जब वर्ड आ गया एक स्लिपिंग स्किडिंग के बाद प्योर शब्द, तो प्योर में हमारा जो भी रोटेशनल मूवमेंट होता है वो हमारा जीरो हो जाता है, और प्योर स्लिप में जो भी हमारा ट्रांसलेशनल मूवमेंट है वो हमारा जीरो हो जाता है। तो देखो दो वर्ड आया हमारे पास, स्किड, स्किड। स्किडिंग में क्या होता है? स्किडिंग में हमारा जो भी ट्रांसलेशनल मूवमेंट है टीएम इज ग्रेटर देन आरएम, यानी रोटेशनल मूवमेंट, ट्रांसलेशनल मूवमेंट इज ग्रेटर देन रोटेशनल मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि ट्रांसलेशनल मूवमेंट मतलब हमारा गाड़ी लेंथ के अलोंग मूव करेगा, हमारा गाड़ी जो है जो उसको लेंथ के अलोंग वो मूव करेगा, लेकिन जो उसका सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट होगा हमारे व्हीकल का वो स्टॉप हो जाएगा, या फिर उसका सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। तो इसको हम लोग स्केटिंग को बोलने के लिए ऐसा बोल देंगे कि व्हेन द पार्ट ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ व्हील, या फिर सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ व्हीकल ड्यू टू देयर रोटेशन इट इज टर्म एज स्केटिंग, जो कि आगे लाइन में लिखा भी हुआ है तुम लोग देख लेना। उसमें हमारा जो होता है वो ट्रांसलेशनल मूवमेंट बड़ा हो जाता है रोटेशनल मूवमेंट से। तो इस केस को हम ऊपर टेबल में भी देखना कि इस केस में हमारा जो भी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन वो ज्यादा हो जाता है। दूसरा, इस केस में जैसे ही हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रोटेशन कम, ट्रांसलेशनल होगा, तो इम्पैक्ट इसका टायर का बर्न हो जाएगा। अब इसी में आता है प्योर स्किड। प्योर स्किड, इस वर्ड को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्योर स्किड, प्योर स्किड। तो प्योर स्किड में क्या होता है कि प्योर स्किडिंग में तुम्हारा जो रोटेशनल मूवमेंट होता है वो कम्प्लीटली जीरो हो जाता है। जब हमारा रोटेशनल मूवमेंट जीरो हो जाए उस केस को हम लोग बोल देते हैं कि हमारा प्योर स्किडिंग का ये केस है। वैसे ही हमारे पास स्लिपिंग भी है, ये स्किडिंग खत्म हुआ, हमारे पास स्लिप है। स्लिप क्या होता है? तो स्लिप में हम देखे पीछे हमारा था ट्रांसलेशनल मूवमेंट इज ग्रेटर देन रोटेशनल मूवमेंट, यहाँ पे हमारा हो जाता है बेसिकली जो हमारा रोटेशनल मूवमेंट है वो हमारा ट्रांसलेशनल मूवमेंट से ज्यादा हो जाता है। तो इफ रोटेशनल मूवमेंट इज ग्रेटर देन ट्रांसलेशनल मूवमेंट, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन द व्हील रिवॉल्व्स मोर देन द कोरस्पोंडिंग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अलोंग द रोड सरफेस इट इज टर्म्ड एज स्लिप, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोलो। हेलो, सुन रहे हो?
यस सर ओके तो हम लोग स्लिप को ऐसे ओके ओके हम लोग स्लिप को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या कि व्हेन द व्हील बोल सकते हैं कि व्हेन द व्हील रिवॉल्व्स मोर देन द कोरस्पोंडिंग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट along the road it is termed as slip क्योंकि translational movement that means longitudinal movement और rotational movement that means circumferential movement तो slip में बोल सकते हैं कि when the circumferential movement of a wheel is more than या फिर greater than the longitudinal movement of wheel along the road it is termed as slip और वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि when the longitudinal movement of a wheel is more than the circumferential moment of wheel, it is termed as skid. तो ध्यान देना कुछ है नहीं बस इसी मतलब ये दो सिंबल से ही हम बता सकते हैं कि हमारा स्लिपिंग क्या है हमारा स्किडिंग क्या है. अब इसमें भी हमारा केस आ जाता है प्योर स्लिप का कि प्योर स्लिप हम कब बोलेंगे. तो प्योर स्लिप में हो गया जैसे वहां पे रोटेशनल मोमेंट जीरो हो जाता था वैसे ही हमारा ट्रांसलेशनल मोमेंट अगर जीरो हो जाए तो इसको हम लोग प्योर स्लिप का केस बोल देते हैं. तो देखते हैं क्या क्या बताया है आगे हम लोग चलते हैं अपने नोट्स में. सब देखो यहाँ तक हो गया था हमारा longitudinal friction, lateral friction, transverse friction, maximum friction each develop when brakes are applied up to complete extent. Friction also governs rotation and translational movement of the vehicle. तो बताएंगे एक translational movement हो गया एक RM हो गया rotational movement. Uniform condition या फिर इसको ideal condition कभी कभी question पूछ देता है कि for ideal condition rotational moment is greater than translational moment, rotational moment is less than translational moment, rotational moment is equal to translational moment, या फिर डी none of these. तो ध्यान देना आइडियल कंडीशन में हमारा जो रोटेशनल मोमेंट होना चाहिए वो ट्रांसलेशनल मोमेंट के बराबर हो जाना चाहिए या फिर यूनिफॉर्म कंडीशन ही बोल दो इसको. नेक्स्ट है कि अगर तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसको ये समझे कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा डेट मीन्स हमारे वो ब्रेक शू और टायर के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा मतलब उसको कसके पकड़ लेगा रोटेशन अलाउड नहीं करेगा तब पर वो थोड़ा ना थोड़ा ट्रांसलेशनल मोमेंट उसमें हो जाएगा तो इसका इंपैक्ट होगा टायर बर्न कर जाएगा और इसी चीज को रोटेशन नहीं है ट्रांसलेशनल मोमेंट है नीचे हम लोग बोल देते हैं स्किडिंग. उसके नीचे लिखा भी हुआ है कि व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मोमेंट ऑफ व्हीकल ड्यू टू देयर रोटेशन इट इज टर्म्ड एज स्किडिंग. तो जो तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोमेंट है वो तुम्हारा रोटेशनल मोमेंट से ज्यादा है इसलिए उसको हम लोग बोल दिए स्किडिंग. फॉर प्योर स्किड आरएम इक्वल टू जीरो पता ही है और टीएम इज नॉट इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट है तुम्हारा कि अगर तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कम दैट मींस इस पे तुम्हारा रोटेशन अलाउ हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेक शू है वो टायर को पकड़ेगा ही नहीं तो उसमें रोटेशन अलाउ होते रहेगा लेकिन इसमें ट्रांसलेशनल मोमेंट बहुत कम होता है या फिर इसका वैल्यू कम होता है इंपैक्ट कम होता है. नेक्स्ट है तुम्हारा कि अगर तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कम हो गया तो इसको हम लोग स्लिपिंग बोल देते हैं और स्लिपिंग में व्हीकल का कोई मूवमेंट नहीं होता है जहां पे रहता है वहीं पे वो रोटेट करते रह जाता है. एग्जांपल भी बताएं कि हमारा गाड़ी जब भी कहीं फंस जाता है बरसात के दिन में या फिर कहीं भी तो वहां पे हमारा गाड़ी बस घूमता है आगे बढ़ नहीं पाता है. नेक्स्ट है कि व्हेन द व्हील रिवॉल्व्स मोर देन द कोरस्पोंडिंग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अलोंग द रोड इट इज टर्म्ड एज स्लिप. और स्लिप में रोटेशनल मूवमेंट जो है तुम्हारा ज्यादा हो गया ट्रांसलेशनल मूवमेंट से तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्लिप. फॉर प्योर स्लिप टीएम इज इक्वल टू जीरो आरएम इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो आई थिंक ये सारा का सारा चीज तुम्हें को पता है. एग्जाम्पल बोला कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू सच एन एक्सटेंट व्हील ऑफ व्हीकल्स आर locked it lead to be skidding. सबको पता है कि जब ब्रेक हम लोग अप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक तो तुम्हारा जो भी व्हील व्हीकल का व्हील होता है वो लॉक हो जाता है. व्हेन व्हीकल व्हील्स इज लीड टू स्किडिंग इससे स्किडिंग आ गया. तो पीछे हम बता ही दिए थे कि अगर तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज्यादा हो गया डेट मीन्स तुम्हारा जो भी ब्रेक जैसे ही अप्लाई करोगे कि तुम्हारे जो व्हील है व्हीकल के वो ब्रेक शू से लॉक हो जाएंगे तो लॉक हो जाएंगे रोटेशनल मूवमेंट ही नहीं होगा तो ये स्किडिंग हमको करा देगा गाड़ी का.
नेक्स्ट है व्हेन व्हील व्हीकल व्हील्स आर रैपिडली एसिलेट फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन और फ्रॉम स्लो स्पीड ऑन पेवमेंट व्हिच इज स्लिपरी और वेट और व्हेन रोड सरफेस इज लूज एग्जाम्पल मड. तो ये दूसरा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है कि तुम्हारा जो भी फ्रिक्शन होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो जो तुम्हारा फ्रिक्शन है पीछे हम लोग देखे कि टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस, किस टाइप का पेवमेंट है उसका सरफेस किस टाइप का है. इनफैक्ट हम तो ये भी देखे कि जो हमारा पेवमेंट का सरफेस कैरेक्टरिस्टिक है वो पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ पेवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का पेवमेंट है. तो टाइप ऑफ पेवमेंट हमारा टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस से ही डिसाइड होता है. अगर बिटुमिनस है उसका सीमेंट कंक्रीट है, सीसी को लिखा है सीमेंट कंक्रीट, तो ये सारा का सारा अलग अलग टाइप का हमारा पेमेंट हो जाएगा. फिर हमको ये भी पता है कि हमारा किस मटेरियल का है, कॉस्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक क्या है, क्लाइमेटिक, ये सारा का सारा पॉइंट हम पीछे देखे. तो जब पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक को वो सारा का सारा पॉइंट गवर्न करता है तो फ्रिक्शन के अंदर पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में फ्रिक्शन भी आता है तो फ्रिक्शन को भी वही सारा का सारा पॉइंट गवर्न करेगा जो कि पेमेंट सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक को गवर्न करता था. तो टाइप ऑफ पेमेंट सीसी यानी सीमेंट कंक्रीट, बिटुमिनस अर्दन WBM ETC. तो अगर तुम्हारा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है तो उस पर फ्रिक्शन अलग होगा, बिटुमिनस है उस पर अलग होगा, अर्दन है उस पर अलग होगा, वाटर बॉन्ड मैकेडम है उस पर अलग होगा, रफनेस ऑफ पेमेंट या फिर इसको बोलते हैं टेक्सचर. तो अगर तुम्हारा पेमेंट के सरफेस में रफनेस का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है तो हमारा जो भी फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो अलग अलग आएगा. नेक्स्ट है तुम्हारा कंडीशन ऑफ पेमेंट, तुम्हारा पेमेंट ड्राई है, तुम्हारा पेमेंट वेट है, तुम्हारा पेमेंट रफ है, तुम्हारा पेमेंट स्मूथ है, ये सारा का सारा जो हमारा फैक्टर्स है इन सारे के सारे फैक्टर पे हमारा फ्रिक्शन जो है हमारा डिपेंड करेगा. नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ टायर. अगर तुम्हारा क्या बोला, न्यू विथ गुड ट्रेड और ओल्ड विथ वर्न आउट, मतलब अगर तुम्हारा नया टायर है तो नया टायर है. अब एक चीज हमको बताओ, किससे पूछे, पूछ रहे हैं, ये सारा का सारा फैक्टर है और इनफैक्ट तुम लोग अपने लाइफ में इसको क्या बोलते हैं देखे ही होंगे. अब हमको एक चीज बताओ, किससे पूछे, पहले नाम देख लेते हैं, नाम बताओ, कौन बताएगा, अमित तुम ही बताओ. यस सर. ओके, तुम्हारे पास सब लोग क्वेश्चन सुनना. अमित तुमको दो टायर मिला, एक टायर है तुम्हारा पूरा का पूरा वार्न आउट हो चुका है, मतलब तुम्हारा एक ओल्ड टायर है, एक तुम्हारा ये ओल्ड टायर तुमको मिला और एक टायर तुमको मिला जो कि न्यू वंस है. तो जब भी नया टायर आता है तो सब लोग देखे होंगे, नया टायर है ये तुम्हारा, इस नए टायर में तुम्हारे ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, मतलब ऐसे 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 सब देखा ही होगा, कुछ ग्रुप्स ऐसे ऐसे बने रहते हैं नए टायर. ओके, सब लोग देखे हो ऐसा, नया टायर आता है ग्रुप्स बना हुआ रहता है, लेकिन टाइम के साथ बियर एंड टीयर इन ग्रुप्स का भी हो जाता है, फिर दो तीन महीना छह महीना में ये हमारा टायर जो है पूरा ये ग्रुप्स खत्म हो जाता है, ओल्ड हो गया. तो हम ये बताएं कि तुम्हारे पास दो टायर है, एक है तुम्हारा ओल्ड टायर, एक है तुम्हारा यहाँ पे न्यू टायर. तो आई थिंक अभी फैक्टर हम बता के निकल रहे थे कि तुम्हारा फैक्टर है टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस, कि तुम्हारा किस टाइप का पेमेंट है और उसका सरफेस कैसा है, तो ये तुम्हारे फ्रिक्शन को गवर्न करता है. फिर रफनेस ऑफ पेमेंट, फिर हमारा आया था कंडीशन ऑफ पेमेंट कि तुम्हारा पेमेंट ड्राई है, तुम्हारा पेमेंट वेट है, तुम्हारा पेमेंट रफ है, तुम्हारा पेमेंट स्मूथ है. एक और पॉइंट आया था कंडीशन ऑफ टायर. तो कंडीशन ऑफ टायर में तुम हमको ये बताओ कि अगर तुम्हारा ओल्ड टायर है और तुम्हारा न्यू टायर है तो तुम्हारा ओल्ड टायर और न्यू टायर दोनों हमारा टू कंडीशन में चलता है. एक है तुम्हारा जब तुम्हारा ड्राई कंडीशन हो, मान के चलो ड्राई हो मतलब पूरा हमारा सूखा है, और दूसरा कंडीशन है वेट कंडीशन. तो हमको एक चीज बताओ, किस कंडीशन में तुम्हारा टायर पे, किस टायर पे फ्रिक्शन कम आएगा, किस टायर पे फ्रिक्शन ज्यादा आएगा, ये तुम सोचो. दो मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो सब लोग. एक कंडीशन है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे पूछा है कि अगर तुम्हारा नया टायर है और तुम्हारा ओल्ड टायर है तो नया टायर अगर तुम्हारा ड्राई कंडीशन में चलता है और तुम्हारा ओल्ड टायर ड्राई कंडीशन में चलता है
तो फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ कम लगेगा। दूसरा, अगर तुम्हारा बेड कंडीशन है उस पे भी तुम्हारा पुराना टायर चलता है, उस पे भी तुम्हारा नया टायर चलता है, तो किस कंडीशन में तुम्हारा जो है फ्रिक्शन कम लगेगा या फिर ज्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन सब लोग समझ गए क्या हम पूछे? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है। Yes. तो हमको हाँ तो हमको बताओ कि फ्रिक्शन कहाँ पे तुमको कम लगेगा। पहले बेड का ही बताओ, अगर तुम्हारा कंडीशन बेड है यानी बारिश हो रखा है, कीचड़ उचर पूरा है, तो ड्राई के ड्राई कंडीशन में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा और वेट में कम फ्रिक्शन लगेगा। देखो अब ड्राई कंडीशन में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, बेड कंडीशन में कम फ्रिक्शन लगेगा, तो ये यहाँ पे तुम ये बता रहे हो हमको, जबकि तुमको ये भी पता है कि यहाँ पे दो टायर है, तो दोनों टायर पे ड्राई में एक साथ तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, एक समान फ्रिक्शन लगेगा नहीं, 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 ये नहीं। सर ग्रूव वाला का। अच्छा तुम क्या बताए? ड्राई में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा और वेट में कम लगेगा, क्योंकि वाटर उसमें बीच में एक्ट करेगा जिसके कारण फ्रिक्शन लेस हो जाएगा थोड़ा। अच्छा तो तुम्हारा ये कहना है कि सर अगर हमारा नया टायर है, न्यू टायर है, तो हमारा बेड कंडीशन है, अगर हमारा कंडीशन बेड है तो बेड कंडीशन में हमारा जो भी है वो फ्रिक्शन यहाँ पे कम आ जाएगा क्योंकि इसके ग्रुप्स में हमारा पानी घुस जाएगा, यही बात है? यस सर। ओके ओके चलो ठीक है। और कोई कुछ बोलोगे? पहला पहला यहाँ पे एक पॉइंट आया कि अमित बोला कि सर अगर हमारा कंडीशन बेट है, डेट मीन्स हमारे रोड पे पानी हो रखा है, कीचड़ है, और वहां से ये हम जो है वो पुराना टायर वाला गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम जो है वो नया टायर मतलब वाला गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो हमको बोला कि सर नया वाला जो है उसमें हमारा फ्रिक्शन कम लगेगा, तो इससे सब लोग सहमत हो इस पॉइंट से? सब लोग सहमत हो, समझे बात को? बात ये है कि एक जगह तुम्हारा ओल्ड टायर है, चलो ठीक है अलग अलग ही करके हम बताते हैं, ये हमारा एक ओल्ड टायर है, ये हमारा है ओल्ड टायर ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा घिस गया है, वर्न आउट हो चुका है, पूरा घिस जाता है ओल्ड टायर, हमको पता है कैसा रहता है। फिर हमारे पास एक आया न्यू टायर आया ये वाला, पास आया न्यू टायर में हमको ये भी पता है कि ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, ऐसे 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 ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, ये देखो ठीक है, ये तुम्हारा ग्रुप्स बने हुए रहते हैं न्यू टायर में, जो कि टाइम के साथ वियर एंड टियर ये भी हो जाते हैं, तो ओल्ड टायर की तरह ये दिखने लगते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि अगर वेट कंडीशन है डेट मीन्स अगर तुम्हारा बारिश हो रखा है, पूरा का पूरा रोड पे तुम्हारा मड है, ये तुम्हारा पेमेंट है, इस पे तुम्हारा बेट कंडीशन है, पूरा का पूरा मड है, तो तुम्हारा फ्रिक्शन किस वाले टायर पे तुम्हारा ज्यादा लगेगा और किस वाले टायर पे तुम्हारा कम लगेगा। तो क्योंकि फ्रिक्शन जो है तुम्हारा एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे, तुम्हारा कंडीशन ऑफ टायर कैसा है, इसको बस रुको दिखा दे रहे हैं एक मिनट। जैसे हम तो इसको छोड़ के जा रहे थे, समझ रहे थे कि तुम लोगों को पता होगा ये सारा का सारा चीज। न्यू में ज्यादा लगेगा सर, ओल्ड में कम लगेगा। ओके ओके चलो ठीक है, बता रहे हैं, देखो कैसे दिमाग का बत्ती खुलेगा। सो कंडीशन ऑफ टायर, देखो जो भी तुम्हारा फ्रिक्शन है वो तुम्हारे कंडीशन ऑफ टायर पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा टायर जो है नया है जिसमें थ्रेड अभी है या फिर ओल्ड है जो कि वर्न आउट हो चुका है, मतलब पूरा का पूरा खींच चुका है। तो आई थिंक अमित बोला कि सर, और ये रोहित भी बोला कि सर हमारा जो न्यू टायर है उस पर हमारा फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। तो देखो अब जब तुम्हारा ये वेट कंडीशन है डेट मीन्स यहाँ पे पूरा का पूरा देखो, जब ये ओल्ड टायर आएगा, यहाँ पे ओल्ड टायर आएगा, तो इसका देखो यहाँ पे पूरा का पूरा सरफेस एरिया इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, इसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, जबकि हमारा ये
अगर न्यू टायर यहाँ पे आएगा, न्यू टायर आएगा यहाँ पे, तो इसका जो है कम सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में आएगा। दूसरा चीज, हमको ये भी पता है कि हमारा फ्रिक्शन हमारे टायर और हमारे पेमेंट के बीच में लगता है। हमारा कॉन्टेक्ट एरिया, जब अच्छे से सुन लो क्योंकि गड़बड़ है, अभी तक जो कंसेप्ट था रोहित तुम्हारा, अमित तुम्हारा, ये गड़बड़ था। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले कि जैसे ही तुम्हारा ओल्ड टायर है तो ओल्ड टायर में सरफेस एरिया ज्यादा, क्योंकि वो पूरा का पूरा घिस चुका है, उसका पूरा का पूरा एरिया हमारे पेमेंट के कॉन्टेक्ट में आएगा। जबकि हमारा न्यू टायर है उसका कॉन्टेक्ट एरिया कम हमारे पेमेंट के सरफेस में आएगा, क्योंकि जो ग्रुप्स का पार्ट है वही तो इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इसका सरफेस एरिया कम आएगा। दूसरा चीज, जैसे ही इसका सरफेस एरिया कम हमारे कॉन्टेक्ट में आएगा, तो ठीक बोल रहे थे कि सर बहुत पानी तो अंदर घुस जाएगा। जब तुम्हारा पानी इसके ग्रुप्स के अंदर घुस गया, पानी कम कॉन्टेक्ट में तुम्हारा यहाँ यहाँ पे आया, और जब हमारा पानी पूरा का पूरा इस टायर और हमारे पेमेंट के कॉन्टेक्ट में आ गया, तो जो कॉन्टेक्ट था हमारा टायर का और पेमेंट का, उसके बीच में तो पानी आ गया पूरा का पूरा, या फिर मड आ गया पूरा का पूरा। तो जैसे ही मड आ गया पूरा का पूरा हमारे टायर और हमारे पेमेंट के सरफेस के बीच में, तो फ्रिक्शन लगेगा कहाँ? हमारा जो भी फ्रिक्शन है वो तो लगेगा ही नहीं, हमारा जो भी फ्रिक्शन है वो तो हमको लगेगा ही नहीं। जबकि यहाँ पे देखो हमारा जो भी फ्रिक्शन, बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो क्या हम बता रहे हैं? कि हमारा जो भी फ्रिक्शन है वो तो हमारे टायर और हमारे रोड सरफेस के बीच में लगना था, लेकिन हमारा जो भी टायर है, जो भी हमारा टायर है उसके बीच में तो पानी आ गया और पेमेंट के बीच में पानी आ गया। तो पानी आ गया डेट मीन्स हमारा फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, तो हमारा जो भी फ्रिक्शन है वो हमारा ओल्ड टायर के केस में लगेगा ही नहीं। दूसरा चीज हमारा क्या है कि हमारा बहुत सारा पानी इसके अंदर पूरा का पूरा, ये जो ग्रुप्स है ग्रुप्स के कॉन्टेक्ट में रहा और पूरा का पूरा पानी हमारे इसके अंदर चला गया। तो जैसे ही हमारा पूरा का पूरा पानी इसके अंदर चला गया, डेट मीन्स यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट एरिया जो है, हमारा कॉन्टेक्ट एरिया यहाँ पे देखो, कॉन्टेक्ट एरिया यहाँ पे मड और हमारा यहाँ पे पेमेंट आ गया। तो इसको कम कॉन्टेक्ट एरिया मिला, इसको कम कॉन्टेक्ट एरिया तुम्हारे पानी मड को मिला, आई थिंक तुम्हारे मड को यहाँ पे कम कॉन्टेक्ट एरिया मिला, किसके किसके बीच में? टायर के बीच में और तुम्हारे पेमेंट के बीच में। तो यहाँ पे तुम्हारे फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? बताओगे? कम हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे फ्रिक्शन का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे कम हो जाएगा, जबकि तुम्हारा यहाँ पे जो भी तुम्हारा ओल्ड टायर का केस है इसमें तुम्हारा फ्रिक्शन का वैल्यू तुमको ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान देना, अगर तुम्हारा बेड कंडीशन है तो तुम्हारा जो भी ये तुम्हारा ओल्ड टायर है, ओल्ड टायर में तुम्हारा फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, न्यू टायर है उस पे तुम्हारा फ्रिक्शन का वैल्यू तुमको कम आ जाएगा, ओल्ड टायर में तुम्हारा फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा। तो अभी तक जो परसेप्शन था तुम्हारा वेट कंडीशन को लेके ओल्ड टायर न्यू टायर में, उसको एक बार और अच्छे से तुम लोग सोचना। प्रैक्टिकली ये सारा का सारा चीज पॉसिबल है, बस ये चीज ध्यान रखना कि हमारा जो भी ओल्ड टायर है उसका कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा आ गया, कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा आ गया डेट मीन्स हमारे टायर और हमारे पेमेंट सरफेस के बीच में ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया मिला। ओल्ड टायर के केस में ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया, ज्यादा मड अंदर आ जाएगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? दूसरा ये सोचना कि अगर हमारा न्यू टायर है डेट मीन्स हमारा उसका कॉन्टेक्ट एरिया कम, अगर कॉन्टेक्ट एरिया कम तो हमारा वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा? तो ये सारा का सारा चीज ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो। फिर हमारा ड्राई कंडीशन है, तो ये सब तुम लोग पे छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको नहीं समझ में आया और अच्छे से हम बता देंगे, तो घबराना मत। नेक्स्ट है तुम्हारा कि जो भी फ्रिक्शन है वो और सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि स्पीड ऑफ व्हीकल। तो स्पीड ऑफ व्हीकल के बारे में भी हमको पता है कि अगर हमारा स्पीड ज्यादा है तो वो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एक जो कंसिडरेशन है उसमें हमको अपने स्पीड को, जो भी हमारा व्हीकल है उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है, उसी के बेसिस पे हमको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को डिजाइन करना पड़ता है। और जब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को डिजाइन करते हैं तो उस केस में हमको जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है उसको भी हमको ध्यान में रख के अपने
स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को डिजाइन करना पड़ता है। तो चूंकि हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस स्पीड पे डिपेंडेंट है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारे फ्रिक्शन और व्हीकल पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हमारा स्पीड जो है वो भी फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर जाता है। फिर एक्सटेंट ऑफ ब्रेक अप्लीकेशन, कि तुम पूरा का पूरा ब्रेक लगा दिए हो कि तुम कम ब्रेक लगाए हो, क्योंकि जब भी हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है वो तब अकर होता है जब हम अपने फ्रिक्शन को कंप्लीट पूरा का पूरा अप्लाई कर देते हैं, तब हमारा पूरा का पूरा फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट है लोड एंड टायर प्रेशर, तुम्हारा टायर का प्रेशर कैसा है या फिर जो तुम्हारा व्हीकल है उसका लोड कैसा है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ टायर एंड पेवमेंट, तो बेसिकली ये जो भी तुम्हारा फैक्टर्स है जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, इसको तुम लोग देखो एक बार। फर्स्ट पॉइंट था तुम्हारा फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट था तुम्हारा आई थिंक देख लो सब, ये टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस, फिर रफनेस ऑफ पेमेंट उसका टेक्सचर कैसा है, फिर तुम्हारा था कंडीशन ऑफ पेमेंट कि तुम्हारा जो भी पेमेंट है उसका कंडीशन कैसा है। नेक्स्ट है तुम्हारा कंडीशन ऑफ टायर, तुम्हारा बिट है, तुम्हारा ओल्ड है, फिर स्पीड ऑफ व्हीकल, फिर एक्सटेंट ऑफ ब्रेक अप्लीकेशन कि हम अपने ब्रेक को फुल अप्लाई करते हैं, यहाँ पुल नहीं होगा यहाँ पे फुल होगा, फुल अप्लाई करते हैं या फिर हम अपने ब्रेक को पार्शियली अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा लोड एंड टायर प्रेशर, तुम्हारा लोड कैसा है और तुम्हारा टायर प्रेशर कैसा है, तो इसके बारे में है कि अगर तुम्हारा लोड ज्यादा होगा तो तुम्हारा फ्रिक्शन भी तुमको ज्यादा तुमको मिलेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ टायर एंड पेमेंट, अगर तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है तो तुम्हारा प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा फ्रिक्शन का जो भी वैल्यू होगा वो कम होगा। तो ये सारा का सारा जो भी फैक्टर है जो तुम्हारे फ्रिक्शन को गवर्न करता है, इन सारे के सारे फैक्टर को तुम लोग देखना। तुम्हारा जो भी ये नोट्स है इसको हम LMS पे आज अपलोड कर देंगे, तो तुम इसको खुद से एक बार विजुलाइज करने का कोशिश करना, क्योंकि कुछ है नहीं, सारा का सारा चीज प्रैक्टिकल ही है, तो इसको देखना। बाद बाकी जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ओके चलो ठीक है, तो क्लास को एंड करें। आई थिंक अब तुम्हारा नेक्स्ट वीक में क्लास है, तो तुम लोग इसको देख लेना और अच्छे से सब समझ में आ रहा है सबको। यस सर। और yes, sir. पूरा तुम लोग रिवीजन करते चल रहे हो? अच्छा, कोई हमको ये बता दो तुम में से कौन हो। आई थिंक राजीव रंजन। राजीव? यस सर। अच्छा राजीव, तुम हमको एक चीज बताओ कि हमारा जो लखनऊ रोड प्लान था उसका रोड डेंसिटी कितना रखते थे हम लोग, हमारा टारगेट क्या था